नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 15 मई 2024 की सुबह है, 5:45 पर सूर्यदेव अपनी वर्तमान मंगल से प्रभावित मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वृषभ राशि जो है वो शुक्र से प्रभावित राशि मानी जाती है। यहां पर सूर्यदेव गुरु के साथ गज केसरी योग भी बनाने वाले हैं और 15 जून 2024 तक सूर्यदेव इसी राशि में यानी वृषभ राशि में संचरण करने वाले हैं। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। इस परिवर्तन का कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह माने जाते हैं, तो किन किन क्षेत्रों में सूर्यदेव आपको शुभता देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को एक प्रभावशाली ग्रह भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, राजनीतिक जीवन और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर सूर्य का ही आधिपत्य होता है। कुंडली पर सूर्यदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। बलि सूर्य के प्रभाव से जातक के व्यक्तित्व में मनोबल और आत्मबल की प्रधानता होती है। सूर्य अगर बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में कार्य करा सकता है। सूर्य के बलि होने पर सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में सफलता मिलती है। और यही सूर्य अगर कुंडली पर नेगेटिव अवस्था में विराजित हो तो आत्मबल की कमी, घर में मतभेद, पिता के साथ संबंध खराब रहना और सूर्य के कमजोर होने पर लगातार प्रयास करने के बावजूद भी पेट में समस्या होती है, आंखों से जुड़ी हुई समस्या तथा हृदय जनित समस्याएं भी होने लगती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव यानी आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं और 15 मई 2024 को सूर्यदेव आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के 11वें घर से लाभ, मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में बड़े भाई और कुंडली के 11वें घर से कर्म के द्वारा उपार्जित लाभ के बारे में विचार किया जाता है, तो आपके धन भाव के स्वामी लाभ भाव पर मौजूद हैं और लाभ भाव पर गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं, तो ये एक गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी आर्थिक समस्याएं बनी हुई है, धन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है। इस गोचर काल से सरकारी क्षेत्रों में, राजनीतिक जीवन में या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। वर्क प्लेस पर पदोन्नति के अवसर मिल सकता है,
ऐसे कर्क राशि वाले जातक जो पिछले समय से प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर चल रहे हैं, उनके लिए समय शुभ रहने वाला है। यदि आपका लंबे समय से कहीं पर धन फंसा हुआ है या रुका हुआ है, उसके मिलने की प्रबल संभावना यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है, यानी आर्थिक लाभ आपके जीवन में ज्यादा होने वाला है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव पर जाने वाली है, तो जो जातक वर्तमान में एजुकेशन फील्ड में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह समय शुभकारी रहने वाला है तथा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संतान की प्रगति भी होने वाली है। सूर्य और गुरु दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव पर शुभ अवस्था में रहेगा, तो जिन जातकों को इस समयावधि में संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता बनी हुई है, संतान से जुड़ी हुई सभी समस्याओं से आपको निजात मिलने वाला है। और वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों के पारिवारिक स्थितियों में सकारात्मकता बनने वाली है। परिवार में यदि आपको किसी प्रकार का मतभेद या समस्याएं हो रही है, उससे आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। इस प्रकार का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सूर्य जनित दुष्प्रभावों को जीवन से समाप्त करने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करने के पश्चात यदि आप सूर्य को जलाभिषेक करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है तथा कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप रविवार के दिन गेहूं, तांबा, गुड़, खांड, लाल चंदन इनमें से किसी भी चीज का यदि आप दान करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।